नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा को उतारे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा को सेक्टर 12 के सामने स्थित पार्क में दोबारा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर आज शुक्रवार को शहीद संघर्ष समिति और युवा बोलेगा मंच के कार्यकर्ता नारेबाजी पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शहीद मदन लाल ढींगरा के पक्ष में जहां जोरदार नारेबाजी की, वहीं सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सीधे सीधे कहा कि जब तक शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा को यहां पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन और विरोध जारी रहेगा। इसी विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सेदारी दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि समूचा देश आजादी का जश्न मना रहा है और वहीं दूसरी ओर सरकार प्रशासन मिलकर स्थापित की गई शहीदों की प्रतिमाओं को उखाड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार शहीदों का अपमान कर रही है और यह अपमान कतई भी सहन नहीं होगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा यहां पुनः स्थापित नहीं होती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति हटाए जाने का मामला गर्मा गया है। शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के बैनर तले आज कुछ युवा यहां इस मौके पर मौजूद है पार्क में, और खास तौर पर एडवोकेट JP शेखपुरा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ शहीद मदन लाल ढींगरा के नारेबाजी चल रही है, अमर रहे के मांग कर रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना यहीं की जाए। प्रतिमा यहीं लगाएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये नारेबाजी यहाँ कड़कती धूप के अंदर खड़े हैं ये युवा वर्ग खड़ा है, और खास तौर पर दो महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के जो लोग हैं ये आज फिर से मांग कर रहे हैं। JP शेखपुरा जी, क्या प्रयोजन है आज दोबारा यहाँ आने का? तो कल 15 अगस्त है और आज़ाद देश के लिए आज़ादी के हम लोग पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, पर यहाँ जिस तरह से प्रतिमा को उखाड़ करके किस तरह से थोड़े मार मार के ये नीचे भी लिखा हुआ है सब टूट गया है। यहाँ के समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, इन युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी, तो यहाँ से उखाड़ करके और वहाँ बस स्टैंड की तरफ बताते हैं वहाँ ले गए। इतने बड़े बड़े गेट करनाल के चारों तरफ बना रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इन पर आज़ादी के दीवानों के साथ अगर ऐसा हाल हमारे देश में होगा तो आने वाली पीढ़ी इनको फिर क्या सोचेगी? इसका मतलब तो यहाँ पर फिर ढकोसला, पाखंडवाद, और जिस तरह से देश में, जिस देश में क्रांतिकारियों की इज्जत नहीं होगी, आज़ादी के शहीदों की इज्जत नहीं होगी, उस देश का आर्थिक विकास खत्म होता चला जाएगा, ये सच्चाई है। इसलिए सारे नौजवान यहाँ की समिति, करनाल के युवा और हमारे युवा बोलेगा मंच के साथी सभी ने मिलकर इस गूंगे बहरे प्रशासन से आवाज़ लगाई है कि पुनः यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया जाए। और यहाँ पर ये जो रोड है इसी का नाम मदन लाल ढींगरा, वो मदन लाल ढींगरा जिसको विदेश में ही वहाँ पर जा करके उसकी डेड बॉडी भी पता नहीं 1976 में आकर के कहीं देखने गए थे ऊधम सिंह की डेड बॉडी को, तो वहाँ मिली। ऐसे ऐसे जो विदेश जिसकी मिट्टी भी हमारे देश में, हमारे यहाँ पर शमशान भूमि में जिसको दाग नहीं लग सके, विदेशों में जहाँ हमारे देश को याद कराते कराते अपने आप का शरीर निछावर कर दिया, उनके साथ ऐसा अगर होगा तो CMCT में शर्मनाक बात है हमारे लिए, तो हम लोगों के लिए, तो हम तो सर नीचे झुका करके यहाँ गूंगे बहरे प्रशासन को आवाज़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन कल इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कर्मचारी कुछ लगे हुए थे, समिति के लोगों को पता लगा यहाँ पे आ गए, ये तोड़ फोड़ फिलहाल तो रुक गई है। हाँ। लेकिन आपकी अब मुख्य मांग क्या है कि कब तक ये? बस सभी नौजवानों की मुख्य मांग ये है कि दोबारा यहाँ 2-4 दिन के अंदर और यहाँ पर ये प्रतिमा दोबारा लगाई जाए, नहीं तो यहाँ पर फिर अनशन और भूख हड़ताल जो सत्याग्रह होता है कानून के दायरे में उसको लेकर के जारी शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है, आप घंटाघर चौक पे जाके देखो, जंतर मंतर हमारा जहाँ हम लोग आवाज़ उठाते हैं वहाँ तीनों दिशाओं में तिरंगे अलग अलग नजर आएंगे, कपड़ा ढक दिया। कल 15 अगस्त है और उसको तो घंटाघर चौक पुराने जो संस्कृति धरोहर है हमारी उसको तो संभाल नहीं रहे, नए नए काम ठेकेदारों को मिली भगत के लिए पैसा कमाने के लिए नए नए काम कर रहे हैं, पुरानी संस्कृति को, पुराने जो हमारे जो भी हमारे संस्कृति है उसको बचाव करने के लिए। पूरा जी, आपका जो मंच है युवा बोलेगा मंच,
आपके मंच ने जिला प्रशासन से कोई बात की है इस मांग को? हाँ, अभी ये गगन जी या कुछ भी जिला प्रशासन से, हमारे तो यार देखो हम लोगों ने तो आज वाट हुआई है और जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, पर जिला प्रशासन से भाई साहब गए थे, सरदार जी गए थे ना जिला प्रशासन से, जब बात हुई आप लोगों की, हाँ मेहताब सिंह जी गए थे, और जैसे ये जिला प्रशासन के पास गए तो इनको कोई निराशा होकर के ये वापिस लौटे हैं, ये खुद बता रहे हैं। आप जिला प्रशासन से जिस टाइम गए तो क्या बोले, क्या जवाब दिया आपको, क्या जवाब मिला प्रशासन से आपको? कोई जवाब नहीं मिला हमें, कल हथौड़ों से जवाब मिला है। कल बारिश में यहाँ पे सुबह पहले तो जेसीबी बुलाई गई है और उसके बाद मजदूर बुला के जब जेसीबी नहीं अंदर आ सकी तो यहाँ हथौड़े चला दिए गए, ये जवाब हमें मिला है, और कोई जवाब नहीं मिला। और ये देखिए यहाँ पे एक शहीद की प्रतिमा को उखाड़ के, क्या इनकी पीछे इसके साजिश है कि यहाँ पे मटका मदानी पता नहीं ये क्या है, इस चौक का नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है जी। जब एक शहीद की प्रतिमा यहाँ पर थी, उनके नाम से चौक था, तो उनकी यहाँ से प्रतिमा को हटाया गया। जब कारण हमें पता चला, कारण ये है जी कि नए बस स्टैंड पर लगनी है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं कि उन्होंने बस स्टैंड का नाम शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के नाम से रखा। पर क्या जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें एक मूर्ति का बजट नहीं था, उसमें एक स्टैचू का बजट नहीं था, जो यहाँ से उखाड़ के लेके जानी पड़ी करनाल के प्रशासन को, पूरे हरियाणा का राज यहाँ से चलता है, तो क्या सरकार के पास प्रशासन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि यहाँ के ना उखाड़ के वहाँ एक नई बनाई जा सके स्टैचू? क्या रुख रहेगा अगर प्रशासन आपकी बात में? हम तो देखो जी यहाँ देखो आपके सामने आ चुके हैं, हम लास्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक शहीदों की बात है, जो हमारे गुरुओं पीरों उसके बाद शहीदों का नाम आता है, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जे ये ही इन्होंने रचना रच रखी है कि हमने यहाँ उखाड़ के मदानी मटका चौक बनाना है, ठीक है, शहीदों का नाम ख़त्म करना है, ये देखो जी सबसे बुरी बात है हमारे हिंदुस्तान, हमारे करनाल वासियों के लिए बड़ी ज़्यादा बुरी बात है। आप देख लिए कल इन्होंने हथौड़े चलाए हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है हमारे करनाल वासियों के लिए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए हंस के जान कुर्बान कर दी और आज उनके लिए हथौड़े बरसा रहे हैं। ये देखो कहने में लोग कहते हैं जी शहीद शहीद, पर शहीदों के दिल में जगह बनानी पड़ती है, कहने से कुछ नहीं होता। मैं यही आपके प्रति यही सबके आगे बेनती यही करना चाहता हूँ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि यहाँ पर शहीदों की मूर्ति दोबारा लगा दी जाए और इस चौक का और इस रोड का नाम शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी रखा जाए, जिन्होंने इतनी देश के लिए कुर्बानी करी है, और ये बच्चे बच्चे को पता लग जाए भी यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की रोड है और यहाँ मूर्ति है। मैं यही कहना चाहूँगा, देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त, जब 15 अगस्त पे कल लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस फहरा रहे होंगे और देश को भाषण दे रहे होंगे, अपना संदेश दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ करनाल सीएम सिटी करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा के मूर्ति स्थापित दोबारा स्थापना को लेकर फिर मांग उठ रही है या नारेबाजी हुई है। आज इस आंदोलन में महिलाएं भी कूदी हैं, महिलाओं से जरूर पूछेंगे कि उनका यहाँ आने का मकसद क्या था। आप कहाँ से हैं? मैं करनाल से हूँ, युवा बोलेगा मंच की शहरी अध्यक्ष हूँ। ऐसी आज़ादी के झंडे फहराने का क्या फ़ायदा, जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए और उन्हीं की यादें मिटाने चले हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम भारी रोष प्रदर्शन करेंगे, ये मूर्ति मदन लाल ढींगड़ा जी की यही लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा गोलपुरी है जी। युवा बोलेगा मंच क्रांतिकारी वीरों का ग्रुप है और हम वीरों के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और लड़ाई लड़ते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं। इस तरह का संघर्ष करना पड़ा तो करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे जी, अगर मूर्ति यहीं स्थापित हो जाएगी तो भारत हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, अगर मूर्ति स्थापित नहीं होगी यहाँ तो हम अपने आंदोलनों के जरिए हम रोष प्रदर्शन हमारा यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद। आपका कहना? मेरा कहना यही है कि जो हमें स्वतंत्रता आज़ादी दिलाकर गए, उन्हीं की मूर्ति को उखाड़ कर फेंक दिया गया, यह बिल्कुल प्रशासन ने गलत काम किया है और ये नहीं होना चाहिए। और जब तक ये मूर्ति यहाँ वापस नहीं लगाई जाएगी, हम यूं ही रोष प्रदर्शन करते रहेंगे और अपना मतलब मूर्ति यहाँ स्थापित कराकर ही रहेंगे। ठीक है, महिलाएं भी कह रही हैं कि ये जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की जो मूर्ति यहाँ से हटाएगी बिल्कुल गलत हुआ,
एक दो लोग और भी इस आंदोलन के अंदर कूदे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मनिंदर सिंह है जी मेरा नाम। क्या है आप? मैं रामनगर तो हाँ जी। रामनगर लाइन पर लगे? हाँ जी लाइन पर। की मांग है तुहाडी ते की संघर्ष है तुहाडा? साडी इक्को ही मांग है जी कि इत्थे जिहड़ी मूर्ति इत्थों हटाई गई है, तोड़ी गई है, जिहड़ा उहदा अपमान होया उहदी जगह इहनां नूं वड्डे विशाल एक मूर्ति बनानी चाहीदी है। ते इत्थे रोड का नाम ही श्री मदन लाल डिंगड़ा जी के नाम तो रखा जाना चाहिए जी। साडी तो इक्को ही मंग है। बाकी असं मुख्यमंत्री साहब जी का धन्यवाद करना कि उन्होंने श्री मदन लाल डिंगड़ा जी का सम्मान रखते हुए बस स्टैंड की सानू देन दी, बस स्टैंड का नाम उन्होंने रखा। लेकिन उस तो वड्डा अपमान साढ़े उत्ते हथौड़े चलाए, जिहड़े हथौड़े चले ने ये साडे देशवासियों के चले ने, ये पंजाबी बरादरी के चले हुए ने। पंजाबी बरादरी एक ऐसी बरादरी है जिहड़ा बगाना पुत पाल लैंदी है। शहीद मदन लाल डिंगड़ा जी के अपने सन, असीं इन्हां नूं अपने आप नहीं पाल सकते। अगर सरकार कहे कि तुसीं अपने पैसे ला के बनवा दो तो सानूं उस चीज़ नाल भी कोई इतराज़ नहीं। असीं खुद असीं पैसे ला के इत्थे असीं वड्डी विशाल मूर्ति इत्थे बनावांगे। पंजाबी तो सीएम भी, पंजाबी सीएम है, सीएम साहब को सोचना चाहिए इस बारे में। क्या लगता है आपको कि कौम की इज्जत कम हुई है, इससे आपको ये लगता है अपमान हुआ है कौम की? या क्योंकि शहीद कौम का नहीं है, शहीद किसी कौम का नहीं है, शहीद पूरे देश का है। और मान लो कि कल परसों अपना 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, और अगर हम इसी हालत में आकर यहाँ पर अपना सिर झुकाएंगे इन शहीदों का आदर सम्मान करने के लिए यहाँ आएंगे तो इस हालत में आएंगे क्या? ये अपमान नहीं तो और क्या है? अपमान मान रहे हैं पंजाबी समुदाय भी। अब आंदोलन में आया है एक दो युवक पंजाबी समुदाय से हैं, और हमें एक चीज़ और पता लगी है कि मुल्तानी परिमंडल महासभा के जो समिति बनाई गई है करनाल के अंदर, उसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन जो भी हैं प्रोफेसर जोगेंद्र मदान जी, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं जो हटाई है। और इस मामले में उन्होंने सीएम के जो प्रतिनिधि हैं संजय भट्टा जी, उनको एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। उन्होंने शायद जिला प्रशासन से भी बातचीत की है, उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है। हम उनसे भी बातचीत करने की भरसक प्रयत्न करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा को दोबारा स्थापित किए जाने का मामला एक तूल पकड़ रहा है, यानी कि मामला गर्म होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब कल 15 अगस्त हो और आज़ादी से जुड़ा जश्न जो है पूरा देश मना रहा हो, और ऐसे में सेक्टर 12 के शहीद मदन लाल ढींगड़ा से पार्क में से शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा का रातों रात अचानक गायब हो जाना एक आश्चर्यचकित घटना है। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश आवला, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.